हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैरालंपिक से संबंधित प्रश्न जो है वो अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाती रही हैं। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है चर्चा का, तो पेरिस पैरालंपिक खेल 2024। मैं हूँ विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रति चार वर्ष में किया जाता है। इससे पहले के ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में हुए थे। और यहाँ एक बात और आपको इम्पोर्टेंट बता दें कि ओलंपिक खेल के तुरंत बाद पैरालंपिक खेल होते हैं, जो कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होते हैं, अर्थात पैरालंपिक खेलों में दिव्यांग खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं। ये इसका यह आयोजन कहाँ हुआ पेरिस पैरालंपिक का, तो पेरिस पैरालंपिक का आयोजन जो है वो 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में हुआ। अर्थात इसका उद्घाटन पेरिस पैरालंपिक का 28 अगस्त को हुआ और समापन जो है वो 8 सितंबर 2024 को हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, तो हमारा उत्तर क्या होगा, पेरिस और फ्रांस। यह इसका कौन सा संस्करण था, तो यह 17वां पैरालंपिक खेल 2024। इसमें कितने खेल हुए, 22 और 529 इवेंट हुए। कितने एथलीटों ने भाग लिया, 4463 ने भाग लिया। और इसमें कितना बड़ा भारतीय दल शामिल रहा, तो इसमें भारतीय एथलीट जो है वो 84 शामिल रहे। अब आते हैं ध्वजवाहक, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ध्वजवाहक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उद्घाटन में कौन ध्वजवाहक रहे और समापन में कौन ध्वजवाहक रहे, तो पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे उद्घाटन समारोह में, तो वो सुमित अंतिल व भाग्यश्री जाधव रहे। ये रहे हमारे भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में। अब समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे, तो वह हरविंदर सिंह व प्रीति पाल रहे। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का शुभंकर क्या था, तो ओलंपिक फ्रीज था। अब पदक तालिका मेडल टैली में पहला स्थान किसने प्राप्त किया, तो पहला स्थान जो है वो चीन ने प्राप्त किया। चीन ने 94 गोल्ड मेडल, 76 सिल्वर मेडल और 50 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर चीन को 220 पदक प्राप्त हुए और उसने पदक तालिका में अपना पहला स्थान प्राप्त किया। ग्रेट ब्रिटेन को ने 49 गोल्ड, 44 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज पदक प्राप्त किए और कुल मिलाकर उसने 124 पदक प्राप्त किए। इसी तरह यूएसए अमेरिका ने 36 गोल्ड, 42 सिल्वर और 27 जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए और कुल मिलाकर उसके पदकों की संख्या 105 रही। अब पेरिस प्रश्न यहाँ किस तरह से क्रिएट होता है कि पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में किस देश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, तो तीसरा स्थान के लिए हमारा उत्तर क्या होगा, अमेरिका। यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हर हाल में हमें भारत का पदक तालिका में स्थान कौन सा रहा और भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए यह भी मालूम होना चाहिए। तो पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत ने 18वां स्थान प्राप्त किया और पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने जो है 7 स्वर्ण 9 रजत व 13 कांस्य पदक, कुल 29 पदक जीते, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो यहां पर क्या हो गया कि भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए, तो 29 पदक प्राप्त किए। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक कितने प्राप्त किए, तो 7 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। अब यहां पर एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट उठता है कि पैरालंपिक खेल 2028 में, हर चार साल में होते हैं, तो 2028 में कहां आयोजित होंगे, तो वो लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित होंगे। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।